यमुनानगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यमुनानगर के गांव रतनगढ़ में एक दंपति ने अपने पड़ोस में ही रहने वाली युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका अश्लील एमएमएस बना लिया, जिसके बाद पीड़िता ने घटना की सारी जानकारी अपने परिजनों को दी। घटना की सारी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे साथ जी ममता नाम की तो एक भाभी लगाओ मेरी राम कुमार का घरवाला है जी। तो मेरे को प्यार प्यार मुलाजा करके मेरे साथ 2 तारीख की बात है जी, प्यार मुलाजा करके मेरे को अपने घर पर ले जाती। फिर एक दिन 2 तारीख की बात उसने क्या किया, मुझे नुक्का ये बोला कि घर पे आ जा मेरे काम करवाई दिया था। मैं चली गई घर पर काम करवाने को, मेरे को क्या पता क्या करेंगी। तो उसने नशे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के मेरे को पिलाया। तो मेरे को उसके बाद कोई होश नहीं रहा। जब मेरे को होश आया तो मैं मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे, ठीक है। तो उसके उसने मेरे मोबाइल में फोटो दिखाई अपने घर वाले, तो घर वाले भी नंगा थारू हो गया। मेरी तो मेरी और उसकी फोटो 2 तारीख को 2-6 को जो है इसके साथ राम कुमार सन ऑफ गेंदा राम ने गलत कार्य किया। मनीषा और ममतेश दोनों जो घरवालियां हैं उनकी आपस में मार पिटाई हुई थी। एक जगह को पंचायती जगह को लेकर झगड़ा था, जिसमें उन्होंने वो जो टायर जमीन में गड़े हुए थे उनको काट दिया था। और इस विवाद के चलते उन्होंने 6 तारीख को दरखास्त दी थी। अब आज 20-6 को इसने मनीषा ने दरखास्त दी कि अभी इसके साथ जो है राम कुमार ने गलत कार्य किया। अब इसकी तस्दीक करेंगे, जैसा इन्वेस्टिगेशन में बात आएगी फिर आपको जरूर बताएंगे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।